बच्चों कैसे हो? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन शुरू किया हुआ है, टेस्ट का बहुत अच्छा हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके हमने कल एग्जांपल वाइज डिस्कस की थी, मोशन ऑफ मैट अटैच विद अ स्प्रिंग है सिंपल हार्मोनिक, यानी कि अगर स्प्रिंग के साथ कोई जिसम कोई ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है उसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वो हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। और सब बच्चों को आपको समझ आ गई, ठीक है। अब उसके बाद उसी से रिलेटेड सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड हमारे पास टू और टॉपिक्स हैं, बाल एंड बॉल सिस्टम सेकंड एग्जांपल एंड थर्ड एग्जांपल मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, ठीक है। अब इनको हम यहां स्टडी करते हैं। ये सेम ऐसा का वैसे है जैसे आपने पहले सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा था, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि एक बॉल लेते हैं, ये बॉल मेटेलिक बॉल है, कोई भी बॉल हो सकती है, और एक बाउल बड़ा सा जैसे बर्तन है या कोई सा बाउल है। बाउल में हम जब बॉल इधर रखते हैं तो ये मीन पोजीशन पर है, मीन पोजीशन पर है तो ये बॉल रेस्ट में है। उसकी वजह ये है कि इसका जो वेट है बॉल का वो नीचे अटका रहा है और ये जो बाउल है इसका कंपोनेंट बॉल को ऊपर उठाया हुआ है, इसलिए ये बॉल जो है ये रेस्ट में है। जैसे ये मेरा मार्कर है, मार्कर ये बोर्ड मार्कर नीचे जाने की कोशिश कर रहा है और मेरा जो हाथ है इसको ऊपर उठाया हुआ है, इसलिए ये मार्कर किसने टेस्ट में। सेम इधर है, ये जो बाल है ये नीचे जाने की कोशिश कर रही है और जो बॉल का कंपोनेंट है बाल को ऊपर उठाया हुआ है, इसलिए ये बाल है ये रेस्ट में, ठीक है। ये इसकी निश्चित पोजिशन होगी। अब हमने क्या करना है, इस बाल को उठाकर मेन पोजिशन से एक्सट्रीम पोजिशन ए पर लेके जाएंगे। बार को मेन पोजीशन से उठाकर एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हम इसको यहां से छोड़ेंगे तो ये वेट के कंपोनेंट की वजह से मेन पोजीशन की तरफ इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूं, जैसे हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन यानी कि इंतहाई पॉइंट बहुत ऊंचाई पर उस पर छोड़ेंगे तो ये वेट के कंपोनेंट की वजह से मीन पोजीशन की तरफ इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करेगी जो इसको पुश करेगी और ये ऑब्जेक्ट जाएगा मीन पोजीशन की तरफ। तो ये मीन पोजीशन की तरफ जाते हुए इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, ए से ओ की तरफ जाते हुए इसकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी, लेकिन ये ओ पर रुकेगा नहीं जैसा कि हमने स्प्रिंग में पढ़ा था, ठीक है। ये ओ पर रुकेगा नहीं बल्कि अब इस पर क्या होगा, इनर्शिया की फोर्स एक्ट करेगी जो इसको यहां से आगे पुश करेगी और जो ओ से पॉइंट बी की तरफ मूव करेगा। जब ओ से बी की तरफ ऑब्जेक्ट मूव करता है, ये कल भी बताया था हमने कि जब ऑब्जेक्ट ओ से बी की तरफ मूव करता है उसकी स्पीड कम होती चली जाती है, ठीक है। और एट बी जब ये पॉइंट बी पर पहुंचता है तो ये रुक जाता है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट पॉइंट बी पर पहुंचता है तो रुक जाता है, इसलिए रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। अब दोबारा इस पर रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है और वो इसको पुश करती है। पहले यहां से उठ गया था, टेंशन था, रिस्टोरिंग फोर्स ने इसको मेन पोजीशन की तरफ, अब पॉइंट बी से इसको वो पुल करती है, धकेलती है मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है। इस तरह ऑब्जेक्ट है वो अपनी मोशन को रिपीटेडली यानी बार बार बढ़ाता है मेन पोजीशन के गिर, ठीक है। और फिक्स पॉइंट यहां से यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर फिर यहां पर, ये सिलसिला कंटिन्यू रहता है यानी जारी रहता है और फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट एक वक्त ऐसा आता है हमारा रेस्ट में आ जाता है। इससे ये बात साबित हो जाती है कि जो इस बॉल की मोशन है इस बॉल के अंदर वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अच्छा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमने ये साबित करना है कि इसकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। इसके लिए हमने क्या किया है, ये एक स्पोर्ट है कोई सारा है क्योंकि जैसे ये इसके साथ हम इसको हैंग करते हैं, ये हमने लाइट स्प्रिंग ली है या ये थ्रेड है कोई सारा है और इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट एक मेटालिक ऑब्जेक्ट या बाल उसको हैंग किया, ठीक है। जब हम इसको छोड़ते हैं तकरीबन कुछ लेंथ 90 सेंटीमीटर आप समझ लें, लेंथ के लिए
तो ये रेस्ट में आ जाते हैं बिल्कुल स्टेट, ठीक है, जैसे ये इस मेन पोजीशन पे, ठीक है। इधर क्या होगा कि इस ऑब्जेक्ट में रस्सी, रस्सी जो है या थ्रेड है धागा वाला, उसमें टेंशन है, टेंशन ऊपर की जानिब है और जो वेट का कंपोनेंट है, यहां लाइन में पड़ा था, ठीक है, टेंशन के केस में वेट दोनों में टकरा रहा है, वेट और टेंशन एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट यहां पर, ये जो ऑब्जेक्ट बार है यहां पर किसमें है, रेस्ट, रेस्ट की आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, यानी इसको ओ से उठाकर ए पे ले जाते हैं एक्सट्रीम पोजीशन पे और इसको छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये ए से ओ की तरफ मूव करेगा। लेकिन उससे पहले दो तीन चीजें बड़ी अहम है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब आपको समझ आ जाएगी फिर आगे के प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले आप ये देखें कि इसमें टू कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, एक एमडी कॉस्टिक है जो टेंशन के अपोजिट वर्क कर रहा है और दूसरा एमडी साइन है, साइन थीटा है, ठीक है, जो कि मेन पोजीशन की तरफ एक्ट कर रहा है। ये जो एमडी कॉस्टिका है टेंशन के साथ कैंसिल हो जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, एमडी कॉस्टिका है ऑब्जेक्ट जब एक्सट्रीम पोजीशन पे आता है तो ये इसको कैंसिल कर देता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आता है, ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया और ये रह गया। इस कंपोनेंट ये जो एंगल साइन थीटा है ये एज अ टेंजेंट वर्क करता है और रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर, कौन सी फोर्स के तौर पर बेटा, रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर काम करता है और इसकी वजह से ये जो बार है ये मेन पोजीशन के लिए अपनी मूवमेंट जारी रखती है, ठीक है। इस सारे प्रोसेस को आप जब स्टडी करते हैं कैसे काम करती है, जब हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन से छोड़ते हैं तो ये इस पे रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है जो इसको पुश करती है, कौन सी साइड पे, मेन पोजीशन यानी कि पॉइंट ओ की तरफ, ठीक है। उसके बाद अब ये ऑब्जेक्ट ए से ओ की तरफ जाता है, इसकी स्पीड बढ़ जाती है, लेकिन ऑब्जेक्ट यहां पर रुकता नहीं है, इनर्शिया फोर्स पे एक्ट करती है और वो ओ से बी की तरफ इसको मूव करती है। लेकिन जब ओ से बी की तरफ ऑब्जेक्ट जाता है इसकी स्पीड कम होती है, ठीक है। अच्छा, जब ये पॉइंट बी पर पहुंच जाता है तो इसकी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। अब आप ये देखें दोबारा इसको रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट करती है और वो इसको पुल करती है और ये ऑब्जेक्ट बी से ओ की तरफ मूव करता है और फिर इनर्शिया की वजह से ए की तरफ, इस तरह ये अपनी मोशन को रिपीट करता रहता है, ठीक है, ओ से ए की तरफ, ए से ओ की तरफ, ठीक है, और फिर ओ से बी की तरफ, और एक वक्त आता है कि ये ऑब्जेक्ट दोबारा रेस्ट में आ जाता है, ठीक है। इससे ये बात साबित हो गई इस ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन को बार बार रिपीट किया फिक्स पोजीशन यानी कि मेन पोजीशन पे, इसलिए इसकी जो मोशन है वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। आप इसमें टाइम पीरियड मालूम करने का जो फार्मूला है हमारे पास वो है T=2πL/d का स्क्वायर। दोबारा बोल रहा हूं, टाइम पीरियड मालूम करने का इसमें जो फार्मूला है वो क्या है, T=2πL/d का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका हुआ है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है जो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें क्या है, हमने डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसकी फोर प्रॉपर्टीज है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, कितनी प्रॉपर्टीज हैं, फोर प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो फिक्स पोजीशन के गिर्द मूव करेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो फिक्स पोजीशन के गिर्द मूव करेगा। आप इसी में डिस्कस किया था, यानी कि पहली स्प्रिंग वाले में भी, बॉल वाले में भी, पेंडुलम वाले में, हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, चाहे बॉल हो या मैट है और ये बॉल, तीनों जो है फिक्स पोजीशन यानी कि मेन पोजीशन के गिर्द ये मूव करते हैं, इसलिए इनकी जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। सेम वही बॉडी की गिविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, आगे लगे और किस यानी कि किस पॉइंट पे ये वाइब्रेट, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया पहला पॉइंट। दूसरा, इसका जो एक्सेलरेशन होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसमें जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और इसका एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पे जीरो होता है, इसका एक्सेलरेशन मेन पोजीशन पे जीरो होता है इस पोजीशन पे, और एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। एक्सट्रीम पोजीशन चाहे पॉइंट ए हो या पॉइंट बी हो, यहां पर जो इनका एक्सेलरेशन है वो मैक्सिमम होता है। दो पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट ये है
इसका जो एक्सेलरेशन है उसकी डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ होती है, ठीक है। इसके मुताबिक दूसरा पॉइंट इस एक्सेलरेशन आगे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, यानी अभी जो मैंने कहा है इसकी जो पोजीशन है वो किधर होती है, मेन पोजीशन की तरफ, ठीक है। टू पॉइंट मैंने थर्ड मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन आगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर ये ज्यादा होगा एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, अगर ये कम कर देंगे यहां से कम कर देंगे एक्सेलरेशन कम होगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम मेन पोजीशन एंड एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है, एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होता है और मेन पोजीशन पे जीरो होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, यहां पर ये एक्सेलरेशन क्या होता है मैक्सिमम और मेन पोजीशन पे क्या होता है ये मिनिमम होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी वेलोसिटी को डिस्कस कर लेते हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो मेन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, इस ऑब्जेक्ट की जो ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है मेन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी एक पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, इसकी वेलोसिटी एक पोजीशन पे मैक्सिमम होती है, ठीक है। यहां पर इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, जैसे हम ऑब्जेक्ट को यहां छोड़ते हैं तो इस पर इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर यहां पर उतरते हैं, इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, ठीक है। और एक्सट्रीम पॉइंट पर दैट पॉइंट ए और बी हो, ये वाला ए या बी हो, ठीक है, यहां पर इनकी वेलोसिटी क्या होती है, जीरो, ऑब्जेक्ट रुक जाता है रेस्ट में आया, ठीक है। Its velocity is maximum at B and zero at extreme position, ठीक है। ये हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, हम उनका आंसर लेने की कोशिश करेंगे।